बुलेटिन आरंभ करिबा खेल संपर्कित खबर रु आज आरंभ हेबो क्रीडा महाकुंभ टोकियो ओलंपिक 2021 भारतीय समय 4:30 ओलंपिक रो उद्घाटन करा जिवो तबे कोरोना कटकणा पई एथर ओलंपिक उद्घाटन हेबो निराडंबर नाच गीत किंबा रंग बेरंगर लाइट एथर देखिबा को मिलिबनी उत्सव रे प्रति देशर मात्र 6 जण ऑफिशियल को शामिल हेबा को अनुमति मिलिथिबा बेले एथलीट मानको कैप पिंधिबा को बारण करा जैछि उत्सव परदिन जेउ एथलीट मानकर क्रीडा सूची रहिछि से मानको विश्राम लेबा को कहा जैछि उद्घाटनी उत्सव रे भारतीय दलर ध्वजा को जिवे धरिबे 6 थरर विश्व विजय एमसी मेरिकॉम और पुरुष हॉकी दल अधिनायक मनप्रीत सिंह आज अगस्त 8 पर्यंत चलो प्रतियोगिता एथिरे 206 देशर 11,000 रु अधिक प्रतियोगी अंशग्रहण करेंगे। टोकियो ओलंपिक रे आकर्षणर केन्द्रबिंदु पलटिब भारत एथर रेकर्ड संख्यक भारतीय प्रतियोगी विश्व क्रीडा महाकुंभ रे भाग नेबे एही मेगा इवेंट रे भारतर 127 जन प्रतियोगी अंशग्रहण करुछंती तेणु पूर्व अपेक्षा चलित ओलंपिक रे भारत अधिक पदक जितिब बोली आशा रहिछि। प्रतियोगिता पूर्वरु प्रधानमंत्री मध्य एथलीट को विजय मंत्र देइछंते निर्भीक होई बिना चापरे खेलबा को क्रीडाविद को परामर्श देइछंती प्रधानमंत्री। तेबे भारतीय प्रतियोगी को अधिक उत्साहित करबा सह सेमानंको मनोबल बढ़ाइबा पई देशव्यापी चालिछि चीयर फॉर इंडिया अभियान। संसद भवन परिसरु केन्द्र क्रीडा मंत्री अनुराग ठाकुर समस्त भारतीय खिलाड़ी को उत्साहित करने पई वीडियो बनाई ताको 5 जन सह टैग करने को देशवासी को आह्वान देते यार ना दि जाए विक्ट्री पंच। केन्द्र क्रीडामंत्री आह्वान पर बॉलीवुड खिलाड़ी स्टार अक्षय कुमार भारतीय ओलंपिक प्रतियोगी एक वीडियो सुट कर सब् प्रशंसक को सेपरी करने को अनुरोध कर। आजठ कंपिब टोकियो ओलंपिक आउ ए चमकबे 6 खिलाड़ी दुती चांद प्रमोद भगत दीपग्रेस एका नमिता टप्पो वीरेन्द्र लाक्रा एवं अमित रोहित दास ओलंपिक रे भारतर प्रतिनिधित्व करेंगे। तबे धाविका दुती चांद पदक आशा रखिंट ओडावासी 2016 रियो ओलंपिक पर क्रमगत द्वितीय थर पर भारतर प्रतिनिधित्व करेंगे दुती चांद 100 और 200 मीटर दौड़ में अंशग्रहण करेंगे दुती। से हीपरी पुरुष हॉकी दल में वीरेन्द्र लाक्रा अमित रोहित दास और महिला हॉकी में दीपग्रेस एका और नमिता टप्पो रही। पाराओलंपिक रे बैडमिंटन खिलाड़ी प्रमोद भगत मैदान को ओह्लैबे तेज 6 जन खिलाड़ी को उत्साहित करने पुरस्कार घोषणा करिछंते मुख्यमंत्री। प्रधानमंत्री भिसी जरिया दुती को पदक जितने उत्साहित करते पायखाना टांकी रे फसी 3 जनक मृत्यु गंजाम गोपालपुर थाना विक्रमपुर गांव घटी अभावनीय घटना। संध्यारे पी सिद्धेश्वर रेड्डी घर कम चली बेले पायखाना टांकी रो सेट्रिंग बाहर करुथिले मिस्त्री एम सदानंद रेड्डी तबे से बाहर को न बाहर पारु सिद्धेश्वर पड़ोसी कृष्णा रेड्डी और तारनया रेड्डी भितर को जाइथिले। सदानंद को बचाइबा को जाई एही दुई जण मध्य बाहर को न बाहरिबारु ग्रामवासी मिसी समान को उद्धार करी ब्रह्मपुर एमकेसीजी मेडिकल रे भर्ती करथिले सेठारे डाक्टर 3 जण को मृत घोषणा करिछन्ते। आज नीलाद्री विजय बड़देउल रत्न सिंहासन को फेरबे चतुर्धामरती नवदिनात्मक यात्रा परे गुंडीचा मंदिर रु फेरी आसी महाप्रभु। आज संध्या धूप पर नीलाद्री विजय नीति संपन्न हेबो बड़ भाई बलभद्र भौणी सुभद्रांक सह बड़देउल को विजय करिबे प्रभु जगन्नाथ। तबे महालक्ष्मी को सांगरे नै नथिबारु रोष करिछंती अभिमानिनी महालक्ष्मी तेणु जगन्नाथ को श्रीमंदिर को बाट छाड़बेनि माँ महालक्ष्मी आउ रसगोला खुआई माँ लक्ष्मी मानभंजन करिबे प्रभु जगन्नाथ। तबे संपर्क रे अधिक सूचना पाई हम सहित आम प्रतिनिधि आलोक आशुतोष जोड़ी होती। आलोक खास करी आज हेउची जे नीलाद्री विजय एवं आज कौन रही नीतिकांति चिन्मय देखु आज हूँ पतित जन को उद्धार करने महाप्रभु जो नवदिनात्मक यात्रा रही है तहार आज हूँ शेष दिन जहाँ को पवित्र नीलाद्री विजय बोली कहुए आप जानते आज सकाल सकाल महाप्रभु मंगल आरती मैलम तड़प लगे अवकाश सकाल धूप मध्यान धूप और संध्या धूप जिते बड़े सर से आम कहीपर चारमा बंधा हाब और से संध्या धूप सर पर पहंडी अनुष्ठित हे जहाँ समय सीमा धार्य कर चारिटा अपराह्न 4 गोटी पहंडी महाप्रभु आज
रत्न सिंहासन को विजय करेंगे कारण आप जानते महाप्रभु रत्नवेदी छाड़ जन्मवेदी को जाते जन्मवेदी छाड़ श्रीमंदिर सिंह द्वार अभिमुख रही है कि आज बड़ पवित्र दिन आज आज श्रीमंदिर सिंह द्वार ठू आज गोटी पहंडी में महाप्रभु रत्न सिंहासन को विजय करेंगे से तमाम सुरक्षा व्यवस्था ग्रहण करीतिकांति किभली भाव चिन्मय श्रृंखलित भाव में हो पार समस्त सेवायत सहित किभली समन्वय रक्षा करतीपाय समस्त प्रस्तुति शेष पर्यायर पहुंची कि बड़ कथ आप देखिए जो भाव में पवित्र देवस्नान पूर्णिमा ठू आरंभ कर पवित्र रथजात्रा और पवित्र बाहुड़ा जात्रा नीतिकांति जो भाई भाव निर्धारित समय जथेष पूर्व अनुष्ठित होगा आज अनुमान कर आशा कर निर्धारित समय जथेष पूर्व समस्त नीतिकांति हम और अति सुरखुरी नीतिकांति शेष हम निश्चित भाव आलोक जेहेतु निरा परंपरा एवं आज हूँ महालक्ष्मी मानभंजन करेंगे प्रभु जगन्नाथ रसगोला दे नीलाद्री विजय सारा विश्व एथिपाई जानी आशा करूछु ये श्रृंखलित भाव में जो समय निर्धारण कर समय हिसाब से सुरखुरी में संपादन कराऊ बहुत बहुत धन्यवाद आलोक आपंकर तमाम सूचना सात दरिया पारि गड़ा कालियार रथ आमेरिकार ह्यूस्टन सहर है जगन्नाथमय रथजात्रा भली एठी पालित हो जाइछि बाहुड़ा जात्रा ओडिशा कल्चर सेंटर पक्ष यहाँ आयोजन करा जाइथिला केवल पुरी नुहे समग्र विश्व रे प्रसिद्धि लाभ करिछि महाप्रभुंक घोषयात्रा एमिति किछि दृश्य आसी अमेरिकार ह्यूस्टन सहर बाहुड़ा जात्रा अवसर रे पूरा ह्यूस्टन सहर होइछि जगन्नाथमय घंट घंटा सह जय जगन्नाथ ध्वनि रे प्रकंपित होइतिला पूरा परिवेश प्रथमे तीनि ठाकुरंकु रथारूढ़ करिबा सह नीतिकांति संपन्न होइतिला पूजार्चना परे आरंभ होइतिला रथटणा आनंदर सह महाप्रभुंक रथकु टाणिथिले भक्त चतुर्धा मूर्ति मंदिर रे पहुंचिबा परे अनुष्ठित होइतिला अधरपणा नीति परे महाप्रभु को सुना अलंकार रे बेश करा जाइथिला सुना बेश परे बड़ ठाकुर और देवी सुभद्रा को मंदिर भितर को निया जाइथिला हेले प्रभु जगन्नाथ को प्रवेश अनुमति दे नथिले अभिमानिनी महालक्ष्मी रसगोला खुआई माँ लक्ष्मी मानभंजन करिथिले महाप्रभु एही दृश्य थिला बेश चमत्कार तेरे समय अभाव गोटे दिन में सबु रीतिनीति शेष होता प्रभु जगन्नाथ को आयोजक क्षमा प्रार्थना करते रथजात्रा पर बाहुड़ा जात्रा भी एठी बेस धूमधाम रे पालित होती आप देखिपे मो पचर रथ अच्छी मौसीमा मंदिर जमती श्रीमंदिर को रथ अणा जाए ये भक्त मैंने ओसीसी आयोजक मान रथ को टाणी टाणी आनी जो मंदिर अच्छी नवनिर्मित मंदिर मान से जाए आनी पुणी पहंडी कर जमी पुरी में हुए रीतनीति नीलाद्री विजय आज ही से माने करचंदी नीलाद्री विजय करचंदी लक्ष्मी मानभंजन कर जगन्नाथ रसगोला खुआई था सेमती भी एटी हो प्रथम थरपाई मु पुरी में ये सब रीतनीति देखार के सुजोग पाई नी कि प्रथम थर पर निज आखिरी सब देखला बेलू बहुत खुशी लगुच आम ये ह्यूस्टन रे ओडिया माने ओडिशा सांस्कृतिक केन्द्र तरफ नवदिनात्मक दशदिनात्मक जो रथजात्रा घोषयात्रा उत्सव आम पालन करमर दशमी एकादशी एकाठी समय मणिमा के बाहुड़ा जात्रा बाहुड़ा जिते मणिमा आसिले रथ जो पहुँचला पोड़पिठा दई पखाड़ भोग दिगला तापर मणिमा ओल्लैले पथश्रांत ही आसी अधरपणा भी दिहला अधरपणा दे सारापर बलभद्र सुभद्रा आसिले भितर को सुदर्शन सांगे जगन्नाथ को अटक रही पड़ा ताकि पुणी लक्ष्मीनारायण कली जमी हुए सांकेतिक भाव से भी कराला ये भक्त मैंने रसगोला भोग आयोजन करते रसगोला भोग देलापर माँ लक्ष्मी बाट छाड़े ओडिशा कल्चर सेंटर पक्षर ह्यूस्टन पुकुआ स्ट्रीट रे बाहुड़ा जात्रा रो आयोजन करा जाइथिला प्रवासी ओडियांको सह एथिरे अनेक विदेशी मध्य सामिल होइथिले ब्यूरो रिपोर्ट अर्गस न्यूज एक बड़ खबर उपरे नजर पकाबा टोकियो ओलंपिक्स रो अपडेट उपरे नजर पकाबा अष्टम सेट परे तीरंदाज रे भारत रो बड़ आशा दीपिका कुमारी अष्टम स्थान रे रहिछंती भारत पक्षर आज प्रथम खेलाड़ी भाव में मैदान को ओह्लाई दीपिका रैंकिंग राउंड रे दीपिका जोर लगाउछंती
अष्टम राउंड परे दीपिकांको स्कोर 442 रहिछि। तबे समग्र भारतवासीको पई यहा एक बड़ खबर जे अष्टम सेट परे तीरंदाज रे भारतर बड़ आशा दीपिका कुमारी अष्टम स्थान रे रहिछन्ति। भारत पक्षरु आज प्रथम खेलाड़ी भाबरे मैदान को लाइछन्ति दीपिका कुमारी। रैंकिंग राउंड रे दीपिका जोर लगाउछन्ति। अष्टम राउंड परे दीपिकांको स्कोर रहिछि 442। अच्छा परवर्ती खबर को एसएफ सौम्य रंजन को मृत्यु मामलें पुलिस सह तदंत करिछि क्राइम ब्रांच। सौम्य को घरे पहुंची घटनास्थल और घर चारिपाख बुली देखिथिले क्राइम ब्रांच टीम। तबे सौम्य को देहरे निया किपरी लागिला से नै पार्टी फिटाई नहांती तदंतकारी टीम। पालाखेमुंडे थिबा सौम्य को बासभवन क्राइम ब्रांच बासभवन क्राइम स्पष्ट बोली कहिछि क्राइम ब्रांच। सेपटे सामना को आसिला विद्या भारती को आउ एक चिट्ठी जेउतिरे सौम्य को विरोध रे विषोदगार करिछंती विद्या। कहिछंती हे भगवान किछि भी करी डिवोर्स कराइ दियो, प्रभु तुम पाखरे ऋणी रहि जिबी, जाइकी पूरी मंदिर रे दासी होइकी रहिबी। गणमाध्यम रे विद्या सौम्य को सह भल संपर्क थिबा कहुतिबा बळे चिट्ठी रे एमितिका घृणा विद्या को डबल स्टैंडर्ड सामना को आनिछि। तबे संपर्क रे अधिक सूचना पई हम सहित जोडी होचंती हम उदळा प्रतिनिधि संतोष बांचनी हम सहित जोडी होचंती। संतोष खास करी अपडेट कोन आसुची कारण क्राइम ब्रांच वर्तमान तदंत करूची एवं सौम्यंक बासभवन को मध्य जाईची या सहित डीएम को घर को मध्य गतकाली आमे देखितले जे पूरा टीम जाईतिले कोन तदंतर दिग वर्तमान केउ आडे जाउची। तो चिन्मय जदि अबे देखिबा तो एस एफ सौम्य रंजन महापात्र मृत्यु आज तर एगार दिन है आज तक एकादश कर्म किंतु ए प्रकार कौन तदंतर कौन दिग कौन अभियुक्त को एपर्तंत ठस भाव में तो क्राइम ब्रांच हो कि पुलिस टीम हो क्या गिरफ्त कर पारिना ये आम कही रखा वर्तमान सुधा केवल केते सत केते मिछ ए प्रकार माने प्रतिजोगिता उभय पक्ष मध्य चली किंतु एति के आम कहीपर जेहेतु सौम्य रंजन महापात्र एस एफ सौम्य रंजन महापात्र मृत्यु घटना तो चर्चा भितर अच्छी तहार रहस्य ताक उन्मोचन करने से पुलिस टीम हूँ कि क्राइम ब्रांच अधिकारी माने हूँ तो अद्यावधि आज को एगार दिन पर संतोष जेना आम प्रतिनिधि जोड़ी होती लगातार भाव पूरा घटना अपडेट दौरान। संतोष वर्तमान तदंतर दिग के कारण खास कर एगार दिन है आज पर्यंत पुलिस से ना कहा को गिरफ्त करी छी ना से भली कोनो से आखे दृश्य पदक्षेप लेउ छी। एगो निस्तार चिन्मय आजिरा सूचना रहि छी क्राइम ब्रांच रो चारि जणिया टीम एवं पारला खेमुंडर स्वतंत्र पुलिस आज प्रथमे डीएफओ को जेरा करा जिवो तापर ममता पंडा को थाना रे हाजिर करिया पई निर्देश रहि छी। डीएफओ को कार्यालय को जाई डीएफओ को बासभवन रे आज डीएफओ को जेरा करया नै पूरा स्पष्ट सूचना रहि छी एवं पुलिस रे एक विशेष सूत्र रो आज मध्ये खबर मिलि सारि छी। या सहित जे गुरांडी थाना ओ आईसी अच्छा ममता पंडा जे विवाद घर को आसी आंबुलांस अटकिया ठू आरंभ कर हस्पिटाल उपस्थित रहा पर्यटन उपस्थित जाहिर कौन पाई होता नहीं जो अभियोग रही भाव में एक बर्तमान स्पष्ट हम आज गुरांडी थाना ओ आईसी ममता पंडा पारला खेमुंडी आदर्श थाना हाजर हो पारती ये दुईटी कार्य सारे पुणी थे क्राइम ब्रांच चारजिया टीम विद्या भारती घर को जापे अधिक तदंतर सामिल करने देखा अपेक्षा रोचे डीएफओ को तदंत करने समय क्यों क्यों तथ्य सब सामना को आसुची और गोटे पटे विद्या भारती एक्सपोज हो सारी गोटे पटे स्वामी सहित भल संपर्क कथा कहता बेले अनेक चिठी और प्रतिक्रिया और भिन्न भिन्न चालचल कथबार्ता विवाद घर को टाणी या सहित डीएफओ बद दीर्घ समय दाबी जे डीएफओ को केवे पुलिस जेरा कर आज ही से समय जहाँ विशेष सूत्र एक सूचना मिली 10:30 to 11 भितर डीएफओ को कार्यालय डीएफओ को बासभवन को चारजिया क्राइम ब्रांच टीम और पालाखेमुंडी पुलिस स्वतंत्र टीम तदंत जापारती बर्तमान समय सूचना रही है। निश्चिंत भाव में संतोष बहुत बहुत धन्यवाद आपंकर तमाम सूचना पर संतोष जेना आम प्रतिनिधि आम सहित जोड़ होते हैं। सौम्य घटन आज डीएफओ को जेरा करने अधिक सूचना देते अष्टम श्रेणीर उमाकांत जन्मरु दृष्टि बाधित हेले
6 বর্ষ বয়সর ভজন গাইবা আরম্ভ করে কালিয়া ঠাকুর প্রেমরে বাঁধিচন্তি ভাব। কিছুদিন তলে সে গাইথিবা গীত দর্শন দিয় হে মহাপ্রভু কলা সান্ত সোশ্যাল মিডিয়ারে খুব ভাইরাল হইতিলা আউ এবে চালিছি জনাণ রেকর্ডিং। সিনা দেখিপারুনি হেলে সাথ দেইছি হৃদয় কালিয়া সাঁতক প্রতি পূর্ণ সমর্পিত ভাব নেই ভজন গাইবারে তল্লীন অছন্তি 13 বর্ষর দৃষ্টিবাধিত উমাকান্ত। জগা প্রেমরে বিভোর উমাকান্ত চকা নয়নক নিকটরে নিজর অসহায়তাকু গীতরে গীতরে জনাইছন্তি। উমাকান্তক আবেগ পাই শব্দ যোগাই দেইছন্তি গীতিকার রবি কুমার। উমাকান্তক সুললিত স্বরকু শ্রোতাঙ্ক নিকটরে পৌঁছাই দেবার সহযোগ করিছন্তি সুর ভাইব্রেশন ও এহার প্রতিষ্ঠাতা জয় শ্রীধর। প্রথম থরপাই 13 বর্ষর এই দৃষ্টিবাধিত উমাকান্ত দাসঙ্ক স্বরে চালিছি এক সুন্দর ভজনর রেকর্ডিং। নিজ ভাই সহ স্টুডিওরে উপস্থিত রহি গীত গাউছন্তি উমাকান্ত। তাঙ্ক কণ্ঠর জাদুকু যিয়ে শুনুছি সিয়ে অবাক হেউছি। নন্দীঘোষ রথকু টানি পারু নথিবার অসহায়তা ও শ্রী গুণ্ডিচা যাত্রা দেখিপারু নথিবা কষ্টকু অত্যন্ত আবেগিক ভাবে গাই সে ভক্ত আও শ্রদ্ধাঙ্ক পাখরে আনি দেইছন্তি খুশির লোহ। উমাকান্ত কহন্তি, মোর জেজেঙ্কর স্বপ্ন থিলা মু ক্যাসেটরে গাইবি, আজ সে স্বপ্ন মোর পুরা হইছে, মু বহুত খুশি। তো মতো বহুত খুশি লাগুছি, যা কি মোর গোটে স্বপ্ন লা সেটা মো জেজেঙ্কর আকচুয়ালি স্বপ্ন লা যে মু ক্যাসেটরে, কিন্তু সে আজ আম গহণরে নাহান্তি। মু তো বহুত খুশি আছি, সমস্তঙ্কর জগন্নাথঙ্কর ব্লেসিং যোগু মু আজ আগুকু যাই পারিছি। আখিরে জ্যোতি নাহি কিন্তু স্বর বান্ধি রখিছি শ্রোতাঙ্কু, বেশ ভাবপ্রবণ করুছি তাঙ্ক গীত। গীতিকারঙ্ক শব্দ সহিত আবেগ দেই উমাকান্ত দর্শন দিয় হে প্রভু কলা সাঁত গীত গাউছন্তি। এই গীত ইউট্যুবরে প্রসারিত হওয়ার পরে ভাইরাল হয়েছে। হাজার হাজার দর্শক শ্রোতা শেয়ার ও লাইক করে তাঙ্কু উৎসাহিত করেছন্তি। তাঙ্কর অন্যতম দৃষ্টিবাধিত ভাই তবলারে শব্দ তোলি ভাব গম্ভীর পরিবেশরে প্রভুঙ্কু বাঁধি রখিবারে সফল হয়েছন্তি। কণ্ঠশিল্পী জয় শ্রীধর কহিছন্তি, গীত গাইবা বেলে উমাকান্ত জগন্নাথঙ্ক নিকটরে হজি যাইথান্তি। গীতিকার রবি কুমার কহন্তি, শুনি শুনি গীতটিকু সম্পূর্ণ মনে রাখিবার দক্ষতা উমাকান্তক নিকটরে রহিছে। যেহেতু সে দেখিপারিবনি কি টাণি বি পারিবনি, আউ তার ফিলিংস নেইকি গীতটা করিথিলি বহুত সুন্দর, আর বহুত সুন্দর মধ্যে সে গাইথিলা, বহুত হার্টলি বহুত সুন্দর পিলা সিয়ে। আউ যেতেবেলে সে আকচুয়ালি তাকু প্র্যাকটিসটা তার গোটে অলগা প্রকার, কাহিঁকি না সে তো দেখিপারুনি কি অক্ষর জাঁপারি কি কেবল লিসনিংরে সে ইয়ে করব,
ରିସିଭ୍ କରିବ। ସେଥିପାଇଁ ମୋତେ ଆକ୍ଚୁଆଲି ତାକୁ ଫୋନ୍ରେ ପ୍ରାକ୍ଟିସ୍ କରିବାକୁ ପଡ଼େ, ଯେହେତୁ କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ସେ ଦୂରରେ ରୁହେ, ତାକୁ ଫୋନ୍ରେ ପ୍ରାକ୍ଟିସ୍ କରିବାକୁ ପଡ଼େ। ଉମାକାନ୍ତର ଦୁଇ ଭାଇ ସେମାନେ ଦୁଇ ଜଣ ଯାକ ବ୍ଲାଇଣ୍ଡ, ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ଚେଷ୍ଟା କଲି ଯେ ଆଟଲିଷ୍ଟ ଉମାକାନ୍ତର ମୁହଁରେ ହସ ଆସୁ, ଏବଂ ଭୀଷ୍ମ ମଧ୍ୟ ତା ଭାଇ ସେ ମଧ୍ୟ ହସ ଫୁଟୁ ତା ମୁହଁରେ, ଏବଂ ତା ବାପା ଖୁସି ହୁଅନ୍ତୁ, ସେଇଟା ମୋ ପ୍ରଚେଷ୍ଟା ଥିଲା। ଏବଂ ସେଥିରେ ମୋତେ ମୋର ଏଣ୍ଟାୟାର ଟିମ୍ ସୁର ଭାଇବ୍ରେସନ୍ ସମସ୍ତେ ସପୋର୍ଟ କରିଥିଲେ, ବିଶେଷ କରି ଆମର ସୁର ଭାଇବ୍ରେସନ୍ର ପ୍ରମୁଖ ଲିରିସିଷ୍ଟ ରବି କୁମାର, ସେ ବହୁତ ସପୋର୍ଟ କରିଥିଲେ ଏବଂ ମ୍ୟୁଜିକ୍ରେ ସହଯୋଗ କରିଥିଲେ। ଭକ୍ତିଭରା ଭଜନ ପାଇଁ ଉମାକାନ୍ତ ଏକ ସୁନ୍ଦର ସ୍ୱର ପାଇଛନ୍ତି, ଆଗକୁ ସେ ଆମ ରାଜ୍ୟ ପାଇଁ ଏକ ସୁନ୍ଦର ସମ୍ଭାବନା। ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ କ୍ୟାମେରା ପର୍ସନ୍ ଦେବେନ୍ଦ୍ରଙ୍କ ସହ କବିତା ସ୍ୱାଇଁଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ୍। କେନ୍ଦୁଝର ଘସିପୁରା ବ୍ଲକ ସାଇଙ୍କୁଳ ଗାଁର ପୂର୍ବତନ ସେନା କର୍ମଚାରୀ ଲକ୍ଷ୍ମଣ କୁମାର ସାହୁ 24 ବର୍ଷ ଭାରତୀୟ ସେନାରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରି ଅବସର ନେବା ପରେ ଏବେ ନିଜକୁ ଜଣେ କୃଷକ ଭାବେ ଗଢ଼ି ତୋଳିଛନ୍ତି। ଛେଳି, କୁକୁଡ଼ା, ବତକ, ମାଛ ଚାଷ କରି ସ୍ୱାବଲମ୍ବୀ ହେବା ସହ 6 ଜଣଙ୍କୁ ନିଯୁକ୍ତି ଦେଇ ସୃଷ୍ଟି କରିଛନ୍ତି ଉଦାହରଣ। କାଠରେ ତିଆରି ହୋଇଛି ଭାଡ଼ି, ଭାଡ଼ିରେ ଅଛନ୍ତି ଜାତି ଜାତିକା ଛେଳି, ବ୍ଲାକ୍ ବେଙ୍ଗଲ, ସିରୋହୀ ଓ ସ୍ୱଜତ ପ୍ରଜାତିର 23 ଛେଳିରୁ 1.5 ବର୍ଷ ତଳେ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା ଏହି ଫାର୍ମ। ଏବେ ଏଠାରେ ଅଛନ୍ତି 100ରୁ ଅଧିକ ଛେଳି। ସେନାରେ ସୁବିଧାର ଥିବା ଘସିପୁରା ବ୍ଲକ ସାଇଁକୁଳା ଗାଁର ଲକ୍ଷ୍ମଣ କୁମାର ସାହୁ 24 ବର୍ଷ ତଳେ ଦେଶମାତୃକାରେ ସେବା କରିବା ପରେ ଏଭଳି ଛେଳି ଫାର୍ମ ଜରିଆରେ ଆରମ୍ଭ କରିଛନ୍ତି ନିଜ ଜୀବିକାର ଦ୍ୱିତୀୟ ଇନିଂସ। ଛେଳି ଏକ ଲାଭଜନକ ଚାଷ, ଠିକ୍ ସମୟରେ ଖାଦ୍ୟ, ଔଷଧ ଓ ଯତ୍ନ ନିଆଯାଉଥିବାରୁ ଛେଳିଗୁଡ଼ିକର ସଂଖ୍ୟା ବୃଦ୍ଧି ସହ ବେଶ ହୃଷ୍ଟପୃଷ୍ଟ ହୋଇ ବଢ଼ୁଛନ୍ତି। ଏଭଳି ଚାଷ ଦ୍ୱାରା ମାସକୁ 100,000 ଟଙ୍କା ରୋଜଗାର ହେଉଥିବା କହନ୍ତି ଲକ୍ଷ୍ମଣ। ଘରଠାରୁ ବାହାରେ କମ୍ ଦରମାରେ ଚାକିରି କରିବା ବଦଳରେ ଏଭଳି ଚାଷ ପାଇଁ ସେ ଯୁବପିଢ଼ିଙ୍କୁ ପରାମର୍ଶ ଦେଇଛନ୍ତି। ସର୍ବପ୍ରଥମେ ମୁଁ 23 ଛେଳିରୁ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲି ଆଜ୍ଞା। ବର୍ତ୍ତମାନ ମୋ ପାଖରେ 1.5 ବର୍ଷ ପରେ 100+ ଛେଳି ଅଛନ୍ତି। ତାପରେ ଦେଶୀ କୁକୁଡ଼ା ବି ମଧ୍ୟ ମୁଁ ରଖେ, ଦେଶୀ କୁକୁଡ଼ା ମୋ ପାଖରେ ସିଏ ବି 100+ ଅଛନ୍ତି। ପୋଖରୀରେ ମୁଁ ମାଛ ଚାଷ କରେ, ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ମାଛ, ରୋହି, ଭାକୁର, ଯେଉଁ ଟାଇପ୍ର ଆମର ମାଛ ସବୁଆଡ଼େ ମାର୍କେଟ୍ରେ ସେଲ୍ ହୁଏ ସେଇଟା ମୁଁ ବିକ୍ରି କରେ। ଧୀରେ ଧୀରେ ପ୍ରୋସିଡ୍ କଲି ମୋର କୁକୁଡ଼ା ଫାର୍ମ ଆଡ଼କୁ, ବଡ଼ ବ୍ରଏଲର୍ କୁକୁଡ଼ା ଫାର୍ମ। ମୋର 10,000 କୁକୁଡ଼ା ଫାର୍ମ ଅଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ବତକର ବି ଟ୍ରାଏଲ୍ ନେଉଛି, ବତକ, ହଂସ ଏସବୁ ଜିନିଷ ମୁଁ ଟ୍ରାଏଲ୍ ନେଉଛି। ପୋଖରୀ ଯେହେତୁ ମୋ ପାଖରେ ଅଛି, ଏଇ ଯେଉଁ ଛୋଟକାଟିଆ ସର୍ଭିସ୍, ପ୍ରାଇଭେଟ୍ ସର୍ଭିସ୍ ଗୁଡ଼ା ଆମେ ଯାଇ କରୁଛନ୍ତି, ତା ଅପେକ୍ଷା ଆମେ ଏଠି କଲେ ନୂଆ ଯୁବପିଢ଼ି ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଉନ୍ନତି କରନ୍ତେ। ଛେଳି ଫାର୍ମକୁ ଲାଗି କରାଯାଉଛି କୁକୁଡ଼ା ଚାଷ। 10,000 କ୍ଷମତା ବିଶିଷ୍ଟ ବ୍ରଏଲର କୁକୁଡ଼ା ସହିତ ପାଳନ କରାଯାଉଛି। ତା ସହ ଏଠାରେ ଅଛନ୍ତି 100ରୁ ଅଧିକ ଉନ୍ନତ ଦେଶୀ ପ୍ରଜାତି। କଳା ରକ୍ତ ଥିବା କଡ଼କନାଥ ପ୍ରଜାତିର କୁକୁଡ଼ାଙ୍କୁ ପାଳନ କରିଛନ୍ତି ଲକ୍ଷ୍ମଣ। ଅଧିକ ଚାହିଦା ଓ ଦାମ ଥିବା ହଜାରୀ ଓ ଫାଇଟର କୁକୁଡ଼ାଙ୍କ ସମେତ ବତକ ପାଳନ କରାଯାଉଛି। ମାଛ ଚାଷ ପାଇଁ ଖୋଳାଯାଇଛି ଏକ ପୋଖରୀ। ଏସବୁ ପ୍ରାଣୀମାନଙ୍କ ଦାୟିତ୍ୱ ବୁଝିବା ପାଇଁ ନିୟୋଜିତ ଅଛନ୍ତି 5ରୁ 6 ଜଣ ଶ୍ରମିକ। ଠିକ୍ ସମୟରେ ଖାଦ୍ୟ, ଔଷଧ, ପାଣି ଦେବା ସହିତ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ କାମ ପାଇଁ ଆମକୁ ଏଠାରେ ନିଯୁକ୍ତ କରାଯାଇଥିବା କହନ୍ତି ଜଣେ ଶ୍ରମିକ। ଲକ୍ଷ୍ମଣଙ୍କ ପତ୍ନୀ ଗୀତାଞ୍ଜଳି କହନ୍ତି, ସ୍ୱାମୀ ଆର୍ମିରେ ଥିବାବେଳେ ଆମେ ତାଙ୍କ ସହ ଥିଲୁ। ଏଠାକୁ 3-4 ବର୍ଷ ହେଲା ଆସି ଛେଳି କୁକୁଡ଼ା ପାଳନରେ ଆମେ ସମସ୍ତେ ସହଯୋଗ କରୁଛୁ। ସ୍ଥାନୀୟ ଜଣେ ଗ୍ରାମବାସୀ ସୌମ୍ୟରଞ୍ଜନ ସାହୁ ପୂର୍ବତନ ଏହି ଯବାନ ଅଞ୍ଚଳବାସୀଙ୍କ ପାଇଁ ପ୍ରେରଣା ଓ ଉଦାହରଣ ବୋଲି କହନ୍ତି। ଆମର ଏଠି କୁକୁଡ଼ା, ଛେଳି, ବତକ ଏସବୁ କାମ କରୁଛୁ, ଆଉ ତାଙ୍କର ଠିକ୍ ଯତ୍ନ ନେଉଛୁ, କେଉଁ ଟାଇମ୍ରେ ମେଡ଼ିସିନ୍ ଦିଆହେଉଛି କ'ଣ ସବୁ ଠିକ୍ ଧ୍ୟାନ ଦେଇକି ଦେଉଛୁ, ଠିକ୍ ସେ କାମ କରୁଛୁ। ଆର୍ମିରେ ଥିଲେ ଆମେ ବି ତାଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ରହୁଥିଲୁ, ଚାକିରି ଛାଡ଼ିକି ଆସିଲା ପରେ 3-4 ବର୍ଷ ହେଲା ଆମେ ଏଠି ଫାର୍ମ କରୁଛୁ, ଯେ କୁକୁଡ଼ା, ଛେଳି, ଆଉ ପୁଅ ଝିଅ ଆମେ ସମସ୍ତେ ମିଶିକି ବି ସାହାଯ୍ୟ କରୁଛୁ, ଆଉ ପିଲା ବି 5-6 ଜଣ ରହିଛନ୍ତି, ସେ ବି କାମ କରୁଛନ୍ତି। ଚାକିରି ଛାଡ଼ିବା ପରେ ବି ସେ କେମିତି ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ଉପରେ ଡିପେଣ୍ଡ ନ କରିକି ନିଜେ ନିଜେ ଗୋଡ଼ରେ କେମିତି ନିଜେ ଛିଡ଼ା ହୋଇଛନ୍ତି, ତା ସହିତ ସେ ଗୁଡ଼ାଏ ଲୋକଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଜାଗାରେ ଚାକିରି ଦେଇଛନ୍ତି। ଯୁବପିଢ଼ି ତାଙ୍କୁ ଅନୁସରଣ କରିବା ଦରକାର ଯେ ଆମେ ଯଦି ପଇସା ନାହିଁ, କର୍ମ ନାହିଁ, ଚାକିରି ନାହିଁ, ସେସବୁ ଜିନିଷ ନ କହିକି ନିଜ ଗୋଡ଼ରେ କେମିତି ନିଜେ ଛିଡ଼ା କରାଯାଏ, ଛିଡ଼ା ହୋଇ ସେସବୁ ଜିନିଷ ତାଙ୍କଠୁ ଶିଖିବାର ଅଛି। ଲକ୍ଷ୍ମଣ ଆର୍ମିରୁ ଅବସର ନେଲା ପରେ ନିଜ ଗାଁରେ କୁକୁଡ଼ା ଏବଂ ଛେଳି ଚାଷ କରି ନିଜେ ସ୍ୱାବଲମ୍ବୀ ହେବା ସହ କିଛି ଯୁବକଙ୍କୁ ଦେଇଛନ୍ତି ରୋଜଗାର, ଯାହା
ଯୁବପିଢ଼ିଙ୍କ ପାଇଁ ସାଚି ଉଦାହରଣ। ଘସିପୁରର ଅବିନାଶ ଶତପଥୀ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ୍। ସମସ୍ତ ଅଛି ପ୍ରଥମ ଖବରକୁ ଏଠି ରଖୁଛୁ, ନମସ୍କାର।